हेलो स्टूडेंट्स, आजना लेक्चर नंबर 4 लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आगळ વધારીએ. जेडबली અને ગુજકેટ માં પ્રશ્ન પૂછાતા હોય એવા દાખલા આપણે ગણીએ છીએ અને એવા પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો પણ આપણે ગણીએ છીએ, જેને આગળના લેક્ચર 1 2 અને 3 નો જોયા હોય તે જોઈ લે. બધા જ ક્વેશ્ચન, બધા જ કોન્સેપ્ટ તમને આ 3 ચેપ્ટર ની અંદર જે સામાન્ય છે એ બધાના પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જશે. चलो लास्ट लेक्चर नी अंदर क्वेश्चन नंबर 33 सुधी आपणे गणेलू, आजना लेक्चर नी अंदर आ टॉपिक आपणो कम्प्लीट थई जशे अने नवुं चेप्टर पण स्टार्ट करीशुं. क्वेश्चन नंबर 34 लिमिट एक्स टेन्स टू 2 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लक्ष्यनुं अस्तित्व चकासो. एटले के डाबी बाजुनुं लक्ष्य बराबर जमणी बाजुनुं लक्ष्य डेफिनेशन प्रमाणे थाय छे के नहीं, चलो चेक करीए. सॉल्यूशन लखीए, लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस जे तमने आइडिया छे रूट 2 साइन मोड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 केवी रीते 1 माइनस कोस 2 टीटा, दैट मीन्स स्टार फॉर्मुला याद करो के नहीं, वॉट 2 साइन स्क्वेर थीटा बाय 2 वर्गमूल छे, बे नु वर्गमूल रूट 2 साइन स्क्वेर, स्क्वेर अने वर्गमूल दूर, साइन ऑफ मोड एक्स माइनस 2 मानांक लागू पड़ी जाए वर्गमूल काढो. एटले चलो हवे आना माटे अत्यारे 2 ऊपर ज चेक कर्युं हतुं लिमिट एक्स टेन्स टू 2, हवे हुं कहीश के आना ऊपरथी बे ऑप्शन था, एक लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस अने ऑप्शन नंबर 2 लिमिट एक्स टेन्स टू 2 प्लस. चलो हवे मानांक विधेय आपणे चेक करवुं पड़े के लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस जे आ साइन ऑफ मानांक एक्स माइनस 2 एटले के मोड एक्स माइनस 2 विधेय छे ई क्यांथी क्यां, एटले के माइनस थाय छे प्लस थाय छे, तो ई साइन अयुग्म विधेय, तो एना जवाब मां शुं आवी चेक करवुं पड़े. तो चलो चेक करीए के लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस तो रूट 2 साइन ऑफ मोड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एवी ज रीते रूट 2 साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. चलो हवे मानांक विधेय नी वात करिए, मानांक मां एक्स ओछा 2 तो एक्स ओछा 2 2 माइनस डाबी थी जमणी बाजु, तो डाबी थी जमणी बाजु तो आनी किंमत माइनस आवशे, एटले के साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 आ तमने आइडिया छे, तो आनो जवाब आवी जाय 12. तो लिमिट एक्स माइनस 2 અહીંયા એક્સ માઇનસ 2 આ બેને આ બાજુ લઈ જાઓ તો એક્સ માઇનસ 2 ટેન્સ ટુ 0 થઈ જાય, તો સાઈન એક્સ ના છેદમાં એક્સ બધું જ તમને આવડે છે, એટલે આમના મૌખિક રીતે વાત કરું એટલે 1 થઈ જાય, તો રૂટ માઇનસ રૂટ 2 જવાબ આવે ડાબી બાજુનું લક્ષ, દેટ મીન્સ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લિમિટ, ધીસ ઇઝ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લિમિટ. ચાલો મોડ એક્સ 2 પ્લસ ધન કિંમતો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 2 પ્લસ તરફ રૂટ 2 સાઈન ઓફ એક્સ માઇનસ 2 2 પ્લસ 2 એટલે કે 2.01 લ્યો તો પણ આ જવાબ ધન આવશે, જ્યારે 2 માઇનસ 1.99 લેશો તો પણ આ કૌંસ કેવો આવશે નેગેટિવ, દેટ્સ વાય આઈ કેન રાઇટ નેગેટિવ સાઇન હિયર એક્સ માઇનસ 2 ધીસ ઇઝ 1 વેન વી ચેન્જ ઓર શિફ્ટિંગ ધ લિમિટ એક્સ માઇનસ 2 ટેન્સ ટુ 0, દેટ મીન્સ સાઇન ઓફ એક્સ માઇનસ 2 અપોન એક્સ માઇનસ 2 ઇઝ 1, સો આન્સર ઇઝ રૂટ 2. ધીસ ઇઝ યોર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ લિમિટ, ધીસ ઇઝ યોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ લિમિટ, so you can write that left hand side limit does not equal to right hand side limit, that means limit does not exist, એટલે કે લક્ષ્ય અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. ચાલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. 35 let f r to r be a positive increasing function with limit x tends to infinity f of 3x upon x equal to 1. લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એફ ઓફ 2x અપોન એક્સ, ચલો આપેલું છે. હવે જુઓ એફ આર થી આર પરનું વિધેય પોઝિટિવ એટલે કે ધન વધતું વિધેય ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન, તો હવે જો એના માટે હું કન્ડિશન લખું કે એફ ઓફ 0 1 એફ ઓફ એક્સ એટલે એફ ઓફ 2x અને એફ ઓફ 3x, તો હવે જો અહીંયા સોલ્યુશન લખીએ છીએ તો એફ એ ધન અને વધતું વિધેય એટલા માટે 0 લેસ ધેન એફ એક્સ કન્ડિશન ચેક કરું છું, કારણ કે 0 1 મેક્સિમમ આપ્યું અને આની કિંમત મેળવવાની પૂછી છે, એફ ઓફ 3x અપોન એક્સ 1 એફ ઓફ 2x અપોન એક્સ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ. ચાલો લેસ ધેન એફ એક્સ
लेस देन एफ टू एक्स लेस देन एफ थ्री एक्स। आ तमने आइडिया छे कई रीते लिखू के जीरो थी मोटू एक्स, जीरो थी एन थी मोटू एफ एफ टू एक्स, एन थी मोटू एफ ऑफ थ्री एक्स। तो चलो हवे हूँ आ समीकरण ने एफ ऑफ एक्स वडे भागी नाखू। जो शू करू एफ ऑफ एक्स वडे भागी नाखू शू करवा तो के अहिया एक किंमत आती थी जो एफ ऑफ थ्री एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ई किंमत लावा माटे तो अहिया आ किंमत शू आवी जशे वन। तो जो लखू लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी आने आपवानी जरूर नहीं कारण के जीरो था एटले अहिया वन लखू खाली वन ने लेस देन लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लेस देन लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ थ्री एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो आनी किंमत केटली छे लेस देन ओर इक्वल टू पण लखी शकाय कोना परथी तो के सैंडविच थीअरम। आ सैंडविच थीअरम उपरथी आ कंडीशन लखी छे तो सो लेस देन ओर इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टू एक्स अपॉन एफ। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो आगळनो प्रश्न 36 जोईए शुं कहे छे के लेट एफ बी डिफरेंशियबल फॉर ऑल एक्स एटले के बधा एक्स आगळ विकलनीय होय एफ ऑफ वन माइनस टू अने एफ डेश एक्स ग्रेटर ओन इक्वल टू टू एक्स बिलोंग्स टू वन कोमा सिक्स क्लोज इंटरवल देन एफ ऑफ सिक्स ग्रेटर ओन इक्वल टू एट एफ ऑफ सिक्स लेस देन एट एफ ऑफ सिक्स लेस देन फाइव एफ ऑफ सिक्स फाइव। तो हवे जो आवुं तमे जोयुं एफ डेश एक्स आपेलू विधेय आपेलू बे बिंदु आपेला तो तरत मगज में फटाकड़ो फूटवो पड़े कि एप्लाय एल एम वी टी लाग्रांज मीन वेल्यू थीअरम एप्लाय करव पड़े कि नहीं। चलो तो एफ ऑफ वन माइनस टू एफ डेश एक्स आपेलू है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वन कोमा सिक्स देट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ वन अपॉन सिक्स माइनस वन देट मीन्स फाइव इक्वल टू एफ डेश सी विच इज ग्रेटर देन ओर इक्वल टू टू आ कंडीशन आपी। तो चलो एफ ऑफ सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू मल्टीप्लाय बाय फाइव देट मीन्स टेन प्लस एफ ऑफ वन तो दस एफ ऑफ वन माइनस टू एफ ऑफ सिक्स देट मीन्स एफ ऑफ सिक्स ग्रेटर देन ओर इक्वल टू एट ऑप्शन ए करेक्ट। चलो बहु इजी एमसीक्यू तो जो बधाज वीडियो इन्सिस्ट मैथ्स यूट्यूब चेनल नी अंदर हशे सब्सक्राइब करो लाइक करो अने शेर करो बधाज वीडियो अने मोस्ट इम्पोर्टंट चेप्टर ना जे प्रश्न पूछाणा बधा नु सोल्यूशन तमने एमां मळी जशे। चलो वन लाइनर क्वेश्चन कही शकाय सीधो जानो आंसर आपी शकाय एफ डेश वन मेळवानुं एक्स बराबर एक आगळ विकलनीय होय डिफरेंशियबल देन लिमिट एच टेन्स टू झीरो वन अपॉन एच एफ ऑफ वन प्लस एच। तो चलो सौथी पहला विकलनीय नु फॉर्म्यूला लखू लिमिट एच टेन्स टू झीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच आवुं तमने खबर छे। चलो लिमिट एप्लाय करू बे रीत छे जो डायरेक्ट फॉर्म्यूला थी करो अथवा लिमिट मूको तो झीरो बाय झीरो थाय तो जेमां एच होय एनुं विकलन थाय एटले के जुओ तो लिमिट एच टेन्स टू झीरो झीरो बाय झीरो एप्लाय लॉपिटल लगतो नथी एल हॉस्पिटल रूल। चलो एफ डेश ऑफ वन प्लस एच ना छेदमां एक चलो लिमिट एप्लाय करो लिमिट एच टेन्स टू झीरो देट मीन्स एफ डेश ऑफ वन इक्वल टू एफ डेश ऑफ वन परंतु आ क्यारे मळशे तो एफ डेश वन एक्स बराबर एक आगळ। तो जो कंडीशन विकलनीय होय तो सतत होय परंतु सतत होय तो विकलनीय होय ते जरूरी नथी एटले आ फॉर्म्यूला तमे जो सीधो आनी उपरथी आंसर आपी शको के एफ डेश वन इज नथिंग बट वन अपॉन एच एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डजंट मैटर बिकॉज एच टेन्स टू झीरो कंडीशन मूको तो सीधो ज आनो आंसर शू आवे एफ डेश वन पण केटलो हशे पांच ज हशे। चलो झीरो बाय झीरो थाय चेक करो के नहीं लॉगेरिथमिक लिमिट कही शकाय लॉग ऑफ थ्री माइनस लॉग ऑफ थ्री अपॉन झीरो तो झीरो बाय झीरो फॉर्म्यूला एडजस्ट करव हो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स देट मीन्स वन तो पण थाय झीरो बाय झीरो। अपने अत्यारे सीधू ज आनु डेरिवेशन लॉपिटल रूल करिए तो जो शू थाय लिमिट एक्स टेन्स टू झीरो लॉग एक्स नु वन अपॉन एक्स एक्स नु एक माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स माइनस एक्स नु प्लस वन ना छेदमां एक। चलो छेद झीरो थतो नथी लिमिट मुकाय वन बाय थ्री प्लस झीरो प्लस वन बाय थ्री माइनस झीरो
दैट मीन्स टू बाय थ्री इज वॉट इक्वल टू के आपेलो तो एटले के बहुत सरल प्रश्न था आवा पण प्रश्न पूछाता होय जाय चल आओ पण बे थी त्रण प्रश्न पूछाना था एटले एक क्वेश्चन ले लीधो सिंपल लिमिट एक्स टेन्स टू वन रूट एफ एक्स माइनस वन ना छेद में वर्गमूल में एक्स ओछा एक नी किंमत मेळवानी छे बे जवाब आपी दीधेला छे एटले के कंडीशन एफ ऑफ वन वन अने एफ डेश वन बराबर बे चलो लिमिट मूकीए तो एफ ऑफ वन माइनस वन छेद में वन माइनस वन देट मीन्स जीरो बाय जीरो एफ ऑफ वन एटले एक तो जीरो बाय जीरो लॉपिटल रूल अगेन एप्लाय अंश नु अंश में विकलन छेद नु छेद में विकलन रूट एक्स तरीके वर्ते तो रूट एक्स नु विकलन वन अपॉन टू रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स नु विकलन थाय एफ डेश एक्स छेद में रूट एक्स नु विकलन वन अपॉन टू रूट एक्स एक्स नु विकलन एक चलो बे अने बे उड़ी बाबा चलो लिमिट एप्लाय करी दिए छेद जीरो थतो नथी तो वन अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ वन इंटू एफ डेश ऑफ वन छेद में वन लखवानी जरूर नथी एफ वन 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 बाय वन देट मीन्स वन मल्टीप्लाय बाय एफ डेश वन सो आंसर इज टू आवा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनी सके कंडीशन में अलग अलग जवाब आप तो ई प्रमाणे तमे सीधू लॉपिटल रूल एप्लाय करो तो आनो सरळताथी उकेल जवाब मेळवी शकशो चलो क्वेश्चन नंबर 4040 जो हमणा वन रेस टू इन्फिनिटी ना बे कॉन्सेप्ट समझाया था लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो होय त्यारे एक ना छेद में एक्स हशे ज्यारे एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी वाळो हशे त्यारे सीधू एक्स आपेलू हशे तो वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म वी हेव टू नो देट ई रेस टू लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस वन ने घात होय के आवी जाय मल्टीप्लिकेशन में चलो लखीए एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री चलो लसा लई लईने एवं करव तो लखी नाखी डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस त्रण छेद में एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस त्रण चलो एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर कैंसल शू हो लखीए ई रेस टू लिमिट एक्स टेन्स टू इन्फिनिटी फाइव एक्स माइनस एक्स फोर एक्स प्लस और माइनस थ्री कैंसल एक्स एक्स पण कैंसल जे अहीं आवतुं हतुं ई चलो वन अपॉन छेद में वेधु एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस त्रण चलो लिमिट मूकी दईए छेद जीरो थतो नथी तो ई रेस टू आंसर शू आवशे प्लस फोर कम्प्लीट चलो हवे वात करीए डिफरेंशिएशन विकलन नी बेसिक कॉन्सेप्ट साथे आगळ वधी अने आगळ विकलन ना हायर डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स डी टू वाय बाय डी एक्स टू ना दाखला गणशू चलो प्रश्न जुए लेट एफ एंड जी आर डिफरेंशियबल फंक्शन वर आर विकलनीय छे आर पर अने एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी एटले के आई एफ ऑफ जी बराबर आई ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर जी डेश ए बराबर पांच अने जी ऑफ ए बराबर बी तो एफ डेश बी नी किंमत मेळवानी पूछ्यो छे चलो सोल्यूशन लखीए सौथी पहेला तो एफ ऑफ जी बराबर आई देट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तो हवे जो आनु विकलन करवामां आवे विकलन करता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दर वक्त करसू एक्स लगता नहीं ज्यादा चेन्ज करसू त्या कहू चलो एफ डेश ऑफ जी ऑफ एक्स चेन रूल लागू पड़े पहला बार ना फंक्शन नु विकलन पछी अंदर ना फंक्शन नु विकलन हजी अंदर जी ऑफ एक्स है तो एनु विकलन जी डेश ऑफ एक्स थे एक्स नु एक थे लगता नहीं सामे नी बाजू एक्स बराबर एक चलो हवे हूँ आनी अंदर ए नाखी दऊ कारण के ए नी किंमत वाला बे जवाब आप जी ऑफ ए जी डेश ए तो एफ डेश जी ऑफ ए जी डेश ऑफ ए बराबर एक तो हवे जो तो जी ऑफ ए आनी अंदर तो जी ऑफ ए बराबर बी थाय के नहीं देट मीन्स एफ डेश बी इंटू जी डेश ऑफ ए फाइव इक्वल टू वन That means f dash of b is what? 1 by 5. Option D is correct. चल आगल नो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2. If c is a point of Rolle's theorem. हो जो आपड़े LMVT लाग्रांज मीन वेल्यू थियरम इटले लाग्रांज मध्यकमान प्रमेय घणी वक्त जो हवे रोल्स नो प्रमेय एक बार जोई लईए एफ एक्स बराबर लॉग आधारी एक्स स्क्वेर प्लस आल्फा ना छेद में सेवन एक्स इंटरवल अंतराल 3.4 ए बिलोंग्स टू आर तो एफ डबल डेश ऑफ सी नी किंमत मेळवानी छे तो चलो आपणे अहींया सोल्यूशन तरफ वधी आगळ तो जो एफ ऑफ थ्री अने एफ ऑफ फोर बे फंक्शन आप्या एटले के हुं एनी किंमत एफ ऑफ थ्री अने एफ ऑफ फोर मेळवी लो एटले आल्फा मने मळी जाय जे अननोन छे तो चलो लॉग एक्स स्क्वेर नौ वत्ता आल्फा ना छेदमां सात गुण्या त्रण एकवीस थाय के नहीं चलो लॉग ऑफ
चार नो वर्ग सोल वत्ता अल्फा छेद में 28 थाय के नहीं। चलो बने बाजू लॉग आधार ई। हवे जो मारे अल्फा नी किंमत मेळववी होय तो बने बाजू एंटी लॉग लई लो अथवा लॉग आधारी कैंसल करो। 7 × 3 7 × 4 कैंसल थी जाए। चलो सामेनी बाजू गुणाकार कराऊ। 9 × 4 36 प्लस 4 अल्फा 48 प्लस 3 अल्फा। दिस इम्प्लाइज એટલે કે આલ્ફાની કિંમત કેટલી મળશે? 48 વધે 36 એટલે કે 12। ચલો આલ્ફાની કિંમત મળી ગઈ એટલે કે રોલનું પ્રમેય ક્યાંથી ક્યાં એપ્લાય કરીશ? એફ ડેશ સી બરાબર 0 અને સી બિલોંગ્સ ટુ ઓપન ઇન્ટરવલ 3, 4। ચાલો પહેલા તો એફ ડેશ એક્સ, તો એફ ડેશ એક્સ લોગ છે, લોગ એક્સ નું વિકલન થાય લોગ ઈ આધાર એક્સ 1/x વિકલન, તો એનું વિકલન કરીએ તો 1/x એટલે કે x² પ્લસ આલ્ફા બરાબર શું મળ્યું? 12 છેદ નો છેદ અંશમાં 7x। ચાલો હવે સૌથી અગત્યની વાત, વિકલન છે બે વિધેય એટલે કે ભાગાકારનો નિયમ, છેદામનામ 7x અંશનું વિકલન 2x ઓછા અંશામનામ x² પ્લસ 12 છેદનું વિકલન 7 છેદમાં છેદનો વર્ગ। ફોર્મ્યુલા બહુ સરસ રીતે તમને આવડે છે। 7² x² આ કેન્સલ કરી નાખો। ચાલો એટલે 7x 7x કેન્સલ થઈ જાય એટલા માટે મેં એવી રીતે લખ્યું। ચાલો થોડુંક સાદુરૂપ આપીએ। 7 × 2 14x² ઓછા 7x² માઇનસ 84 ના છેદમાં x² વત્તા 12। ચાલો હવે અને ગુણાકારમાં 7x અહીંયા પણ છે જ। ચાલો આમાંથી સાદુરૂપ આપીએ। 7x² તો જો પાછા 7x² કોમન લઈ લો તો અહીંયા જો શું વધે? અંદર x² માઇનસ 12 વધે કે નહીં? જો 7x x² પ્લસ 12, જો 7x વર્ગ હતું તો 7 કોમન લઈ લીધા, પાછા આની જેમ જ તે તો પાછું 12 થઈ જાય હતું એમનામ, તો માઇનસ ની નિશાની આવશે કારણ કે માઇનસ 84 છે એટલા માટે। ચલો 7 અને 7 કેન્સલ, તો શું લીધું? x² ઓછા 12 x x² વત્તા 12, આ f ડેશ x મળ્યું। પણ રોલ નું પ્રમેય તો f ડેશ c બરાબર લખવું પડે કે નહીં? c સ્ક્વેર માઇનસ 12 c c નો વર્ગ વત્તા 12 બરાબર 0। તો આના ઉપરથી સામેની બાજુ જોવા દો, બધું જ 0, તો c નો વર્ગ બરાબર કેટલું થાય? 12। અને કિંમતનો ઉપયોગ કરશો એટલે c લખવાની જરૂર નથી વર્ગમૂળની અંદર। તો ચાલો f ડબલ ડેશ ઓફ c, મને રસ આમાં છે કારણ કે મારે આ મેળવવું છે f ડબલ ડેશ ઓફ c। તો ચાલો પાછો આની માટે ભાગાકારનો નિયમ જ એપ્લાય કરવાનો છે। ચાલો છેદામનામ, હવે જો c નો અંદર ગુણાકાર કરીને લખાવું, c ક્યુબ પ્લસ 12 c, અંશનું વિકલન 2 c, માઇનસ c સ્ક્વેર આનું વિકલન કરું છું 12, વિકલન કરીએ 3 c² પ્લસ 12 છેદમાં છેદનો વર્ગ એટલે કે c² પ્લસ 12 એનો વર્ગ। હવે જો c ની કિંમત કન્ફ્યુઝ મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો તો તમે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે, એની કરતા બેટર છે કે c² બરાબર 12 કિંમત જે અહીંયા મળી એ અહીંયા મૂકી દઉં। તો ચાલો c ની કેટલી ઘાત થઈ જશે? સાદુરૂપ આપીએ, 2c4 પ્લસ 24 c² માઇનસ 3c4, થોડુંક સાદુરૂપ આપી દઈએ પછી કિંમત મૂકીએ, 3c4 માઇનસ 12 c² માઇનસ માઇનસ પ્લસ 12 × 3 36 c² ઓછે ઓછે વત્તા 12 × 12 144 છેદમાં c નો વર્ગ, એટલે જો 12 મૂકવાનું છે, 12 નો વર્ગ કરવાનો નથી, 12 વત્તા 12 એનો વર્ગ। ચાલો સાદુરૂપ આપીએ, 24 ઘાત, અહીંયા જો 24 ઘાત, સોરી 4 ઘાત, 2c4 માઇનસ 3c4 માઇનસ c4 એટલે કે 12 નો વર્ગ થઈ જશે, તમને ખબર પડી ગઈ શું કર્યું, c² એનો સ્ક્વેર એટલે કે 12 નો વર્ગ। ચાલો વત્તા 24 વત્તા 36 ઓછા 12 એટલે કેટલા થશે? પ્લસ 48 મલ્ટીપ્લાય બાય 12। ચાલો પ્લસ 144 છેદમાં 12 અને 24 નો વર્ગ, જો 144 144 સરળતાથી કેન્સલ થઈ જાય।
चलो 12 और 12 कैंसल, 24 × 24 बे वार लखाय, 24 નો વર્ગ એટલે 24 × 24 24 × 2 તો જુઓ તો 2 1/12 જો કાઈ પણ જગ્યાએ કેલ્સી ની જરૂર નથી, સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન કરશો જો ગુણાકાર કરવા બેસવા નથી, નહીતર પાછું સરવાળો કરો અને બાદબાકી કરો એમાં ને એમાં જ જો પેપર પૂરો થાય જ નહીં. તો એફ ડબલ ડેશ ઓફ સી મગજ ચલાવવાનું, જો પ્લસ ઓર માઇનસ ક્યાં કેન્સલ થાય ધ્યાન રાખવાનું. તો 2 ના છેદમાં 24 એટલે જવાબ આવશે 1 ના છેદમાં 12. બહુ સરસ એમસીક્યુ. તો 2 વાર તમે દાખલો જુઓ કઈ રીતે સ્ટેપ ફોલો કર્યા. चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट साचो जवाब आवशे. चलो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3. वाई बराबर वाई एक्स माटे वाई रूट ऑफ 1 − x² बराबर के माइनस एक्स रूट ऑफ 1 − y² के बराबर कॉन्स्टंट अचल वाई ऑफ 1/2 की किंमत आपेली छे −1/4. आनो मतलब खबर के वाई ऑफ एक्स आ एक्स की किंमत दर्शावे अने वाई बराबर −1/4 दर्शावे. तो dy by dx ए x बराबर 1/2 आगळ किंमत मेळवानी छे. चलो विकलन चेप्टर भणीए छीए तो बस पहेलू स्टेप इज करवानुं, विकलन करता विथ रिस्पेक्ट टू x एटले के x नी सापेक्षे. तो चलो अहींया बे विधेय एटले के बे नो गुणाकार लागू पड़े, पहेलू आमनाम बीजानुं विकलन वत्ता बीजुं आमनाम पहेलानुं विकलन गुणाकार नो नियम. चलो dy by dx रूट ऑफ 1 − x² एज इट इज माइनस શું કરવા કર્યું કહું, ચલો વાય આમ નામ રૂટ એક્સ નું વિકલન 1/2√x એ રીતે વર્તે. હવે જો −x² છે એટલે −x² નું પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને x² નું વિકલન થાય 2x એટલે 2 અને 2 કેન્સલ બરાબર. કે બરાબર કોન્સ્ટન્ટ કીધું તો એનું વિકલન 0 ઓછા ગુણાકારનો નિયમ પાછો x નું વિકલન 1 આવી રીતે લખાય. ચલો વત્તા x છેદમાં रूट एक्स नु 1/2 डायरेक्ट लखू छु, चेक करता जो साचु लिखो के खोटू. 2y dy by dx 1 − y² ने 2 અને 2 કેન્સલ. ચાલો હવે એક બાજુ dy by dx વાળા ભેગા કરીએ, એની કરતા બેટર છે કે x ની જગ્યાએ 1/2 અને આની જગ્યાએ y જગ્યાએ −1/4 લખલા કે એટલે સીધું dy by dx મળે. ચાલો x બરાબર +1/2 y −1/4 કિંમત મુકતા dy by dx જો આ કિંમત હું લખું છું ચેક કરતા જાઓ 1 − 1/4 દેટ મીન્સ √3/2 થાય કે નહીં. ચલો −x × y તો −1/4 1/2 છેદમાં √3/2 થાય કે નહીં. ચલો 2 અને 2 કેન્સલ, આગળનું સાદુરૂપ આપીએ બરાબર −1/16 તો 16 − 1 = 15 −16 એટલે કેટલો આવશે 15 ના છેદમાં 4 વર્ગમૂળ કાઢીને. ચાલો પ્લસ x × y એટલે કેટલું થાય −1/8 ગુણાકાર કરી નાખીએ તો, અને આ 1 − y² કેટલું આવ્યું તો કે √15/4 · dy/dx. જો પ્લસ માઇનસ વિકલન ચેપ્ટરની અંદર પ્લસ માઇનસ સૌથી અગત્યનું રહેશે, અને ગુણાકારનો નિયમ ભાગાકારનો નિયમ ક્યારે એપ્લાય કરવો, કોનું વિકલન શું થાય, રૂટ એક્સ હોય ઇન્વર્સ આઈટીએફ વાળા દાખલા પણ આપણે આગળ જોશું, તો એ સૌથી અગત્યના સ્ટેપ છે. ચાલો સાદુરૂપ આપીએ dy by dx. હવે જો 4-2 સ્ટેપ સરળ છે, તમારે કરવાનું છે જાતે જ પ્રેક્ટિસ, તો જ તમે માઇનસ પ્લસ ની ક્યાં ભૂલ થાય છે તમને ખબર પડશે. અહીંયા માઇનસ માઇનસ જાય પ્લસ, છેદનો છેદ અંશમાં 1/4√3√3/2 તો હું ડાયરેક્ટ આન્સર લખું છું, તમે ચેક કરો −√5 ના છેદમાં 2 જવાબ આવશે. હવે તમે કહેશો √5 તો દેખાતું નથી પણ મને દેખાય, જો √15 √5 × √3 તો √3 કેન્સલ થાય એટલે √5 આવશે છેદનો છેદ અંશમાં એ રીતે. ઓકે તો ચલો આ જવાબ તમારે જાતે લાવવાનો છે આના ઉપરથી −√5/2. ચલો જબરજસ્ત ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે. y ઓફ આલ્ફા આપું, વર્ગમૂળ ની અંદર ક્વેશ્ચન જોઈને ભાગવાન નથી બીવાન નથી. 2 tan α + cot α ના છેદમાં 1 + tan² α + 1 / sin² α. આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ 3π/4 2π. dy by dx આલ્ફા બરાબર 5π/6 આગળ ની કિંમત મેળવવાની છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા બાર y ઓફ આલ્ફા વર્ગમૂળ ની અંદર 2, જે કોટ વાળું છે એને 10 માં ફેરવી દઉં છું એટલે જો ડાયરેક્ટ લખું 1/10α tan α × tan α tan² α + 1 એટલે કે 1 + tan² α લખું, છેદમાં 10α કોટ આલ્ફા નો આવ્યો ને 1 + tan² α હતું એટલે મેં આવી રીતે લખ્યું. ચાલો +1/sin² α કેન્સલ થઈ ગયું, જો સ્ટેપ સિમ્પલ થતા ગયા સીધું જ કેન્સલ થઈ ગયું.
चलो ऊपर नी बाजू लख्य के वाय ऑफ आल्फा इज वॉट रूट वर्गमूल टू शू टेन आल्फा तो टेन एट साइन अपॉन कोस एट टू कोस आल्फा अपॉन साइन आल्फा आम लखाय प्लस वन अपॉन साइन स्क्वेर आल्फा। चलो हवे जो साइन आल्फा नो ज लसा लेवानो छे एटले जो शू थाय वर्गमूल नी अंदर टू साइन आल्फा इंटू कोस आल्फा तरत मगज में फटाकड़ो फूटे के भाई साइन टू आल्फा थाय प्लस वन छेद में साइन स्क्वेर आल्फा। चलो हवे सौथी अगत्यनी वात साइन टू आल्फा प्लस वन बीजो फटाकड़ो डबल धमाका कयो तो के साइन वन मीन्स नित्य सम साइन स्क्वेर आल्फा प्लस कोस स्क्वेर आल्फा देट मीन्स वाय ऑफ आल्फा इज वॉट रूट ऑफ साइन आल्फा प्लस कोस आल्फा स्क्वेर अपॉन साइन स्क्वेर आल्फा। चलो वर्गमूल दूर करू छू तो साइन आल्फा प्लस कोस आल्फा मानांक नी अंदर सौथी अगत्यनी वात छेद में साइन आल्फा कारण के साइन स्क्वेर। चलो हवे नु आ स्टेप मानांक वालू सौथी अगत्यनु एटला माटे जो आल्फा उड़ो मोटा आव्यो थ्री पाई बाय फोर कोमा पाई। चलो खबर पड़ी गई। चलो हवे मोड साइन आल्फा प्लस कोस आल्फा आ वाय ऑफ आल्फा मिली गयू डीवाय बाय डीएक्स आनु सीधू करो एटले विकलन मळे परंतु आनी चर्चा मारे करवी पड़शे। अहींया पण मानांक आवशे साइन आल्फा त्यां केवी किंमत आवे छे तो चलो साइन आल्फा थ्री पाई बाय फोर कोमा फाइव तो पाई एटले एक सौ एसी त्रण गुणा एक सौ एसी ना छेद में चार एक सौ एसी। चलो बे नेव एटले पिस्तालीस थी जाए पिस्तालीस गुणा त्रण एक सौ पात्रीस एट्ले के एक सौ पात्रीस वन थर्टी फाइव टू वन एटी बीजा चरण में आल्फा आवे छे तो साइन प्लस परंतु कॉस नेगेटिव दैट मीन्स माइनस साइन ऑफ आल्फा प्लस कोस ऑफ आल्फा काउस लेवो पड़शे। चलो बीजी बात साइन आल्फा केवो लेवो पड़शे तो के प्लस साइन आल्फा लेवो पड़शे। चलो वाई ऑफ आल्फा लखी नाखू माइनस साइन आल्फा माइनस कोस आल्फा छेद में साइन आल्फा दैट मीन्स माइनस वन माइनस कॉट आल्फा। चलो एकदम सरल इक्वेशन थी गयू के नही आ वर्गमूल वालों बी गया था ते। चलो वाई डेश आल्फा अथवा डीवाय बाय डीएक्स वॉट एवर यू टू से। चलो माइनस वन नु जीरो माइनस कॉट एक्स अथवा कॉट आल्फा जे कहो तो शू थी जाए कोसेक स्क्वेर आल्फा थाय के नही परंतु आल्फा बराबर केटलू मुकवानु छे फाइव पाई बाय सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स बीजू चरण साइन कोस धन किंमत शू थाय बे खाली नही बेनो वर्ग केटलो चार दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो इम्प्लिकेट फंक्शन गुड विधेय ने लगता दाखिल गणी विकलन अंदर तमे कॉन्सेप्ट भणी गया एक्स बराबर थ्री साइन टेन टी वाई बराबर थ्री सेक टी डी टू वाई बाय डी एक्स टू टू टाइम्स डिफरेंशिएशन एक्स बराबर पाई बाय फोर आगळ मेळववानुं छे। तो चलो पहलू विकलन तमने आवडे के डी एक्स बाय डी टी करवू पड़े अने अहींया डी वाई बाय डी टी करवू पड़े खबर। चलो टेन नो सेक वर्ग टी अहींया थशे थ्री सेक टी इंटू टेन टी। चलो हवे डी वाय बाय डी एक्स एटले के आना छेद में आ त्रण त्रण केन्सल सेक टी केन्सल टेन टी अपॉन सेक टी जो डायरेक्ट लखे टेन टी अपॉन सेक टी टेन एट साइन बाय कॉस एक ना छेद में कॉस बीजू चौथु केन्सल शू वैध्यू साइन टी छेद छेदांश में बराबर। चलो हवे डी टू वाय बाय डी एक्स टू डायरेक्ट आनु करवानुं नथी भाई कॉस टी थाय नहीं तो जो एना माटे आपणे गुड विधेय जे डी एक्स टू ने फेरवू पड़शे। जो कई रीते अहीं लखू डी टू वाय बाय डी एक्स टू कई रीते जो विकलन थशे सौ टका कॉस टी परंतु अहीं कयुं छे टी तो डी टी बाय डी एक्स लखवू पड़े तो डी टी बाय डी एक्स जुओ तो आटलामां कंईक देखाय छे मने तो कॉस टी तो डी टी बाय डी एक्स ने वन अपॉन डी एक्स बाय डी टी लखाय के नहीं तो डी एक्स बाय डी टी क्या रू आ रू तो थ्री सेक वर्ग टी जो सरलता थी गणी सकिए। चलो शू जवाब आव्यो वन बाय थ्री कॉस क्यूब टी तो हवे टी ना जग्याए केटलू मूकवानुं छे एक्स अथवा टी पाई बाय फोर तो केटलू आवशे वन बाय थ्री वन बाय रूट टू नो क्यूब दैट मीन्स वन अपॉन टू रूट टू दैट मीन्स वन अपॉन सिक्स रूट टू करेक्ट आंसर।
जो विकलन चैप्टर नी अंदर विकलन ने संकलन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बेवा चैप्टर है कि तमे जेटला दाखला नी वधु प्रैक्टिस करशो एटला दाखला वधारे तमे फास्ट स्पीड थी गणी शकशो। तो चलो प्रेक्टिस् करिए। ई रेस टू वाई प्लस एक्स वाई बराबर ई डी वाई बाय डीएक्स डी टू वाई बाय डीएक्स टू वाई बराबर एक एक्स बराबर जीरो आग किंमत मेलवानी है बने। तो चलो मेलवीए विकलन करिए। विकलन ई रेस टू वाई नु ई रेस टू एक्स नु ई रेस टू एक्स एट रीते थे वाई एट डीवाई बाय डीएक्स। चलो चेन रूल पहलो आम नाम बीजा विकलन तमने बहुत फटाफट आवड़े तो हूं लखू एक्स डीवाई बाय डीएक्स प्लस वाई बराबर जीरो खाली ई छे थाय नहीं आ शू लिखू मैं dy बाय dx ई रेस टू वाई डीवाय बाय डीएक्स ई अपने मेलवू है। तो चलो x बराबर एक सॉरी x बराबर जीरो y बराबर वन तो ई डीवाय बाय डीएक्स प्लस डीवाय बाय डीएक्स प्लस वन बराबर जीरो लखाय क्या नहीं। तो चलो dy बाय डीएक्स सामान्य लई शकाय तो शू वही जो dy बाय डीएक्स माइनस वन अपॉन ई। चलो एक ना जवाब मिली गया माइनस वन अपॉन ई। चलो डी टू वाई बाय डी एक्स टू मेरी लीए तो जो डी टू वाई बाय डी एक्स टू कई रीते मल्से ई रेस टू वाई कई रीते मल्से ई रेस टू वाई आ डीवाय बाय डीएक्स तो है। चलो एनु विकलन करो जो अहीं गुणाकार नो नियम पहलू बीजू आवशे ई रीते। चलो ई रेस टू वाई डीवाय बाय डीएक्स नु बीजी वार विकलन डीएक्स डी टू वाई बाय डीएक्स टू थाय के नहीं प्लस ई रे वाय आमना डीवाय बाय डीएक्स वाई नु परंतु एक वार हतुते तो स्क्वेर जो आ सौथी अगत्यना स्टेप छे आ बधा ध्यान आपजो एक्स डी टू वाई बाय डीएक्स टू प्लस जोता जाओ डीवाय बाय डीएक्स प्लस वाई नु डीवाय बाय डीएक्स बराबर शून्य। चलो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर एक पाछ नाखो किंमत में ई काउंस नी अंदर डी टू वाय बाय डीएक्स टू प्लस ई माइनस वन अपॉन ई स्क्वेर क्या थी डीवाय बाय डीएक्स जो अहीं किंमत हती माइनस वन अपॉन ई स्क्वेर प्लस एक्स शून्य प्लस टू माइनस वन अपॉन ई डीवाय बाय डीएक्स बे वक्त एटले आवी रीते लखी नाख्यू। चलो बराबर जीरो आपेलू छे। चलो आ शू मळे छे डी टू वाय बाय डीएक्स टू सादरूप आपो वन अपॉन ई एक केन्सल एक ई आवशे अहीं माइनस टू अपॉन ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई छे ओली बाजू जाए एटले प्लस थाय वन अपॉन ई आ ई धक्को मारो छेद मा एटले वन अपॉन ई स्क्वेर तमे कैलक्युलेशन करो एटले जवाब आवे माइनस वन सॉरी प्लस वन अपॉन ई स्क्वेर बंने जवाब आवी गया डीवाय बाय डीएक्स अने डी टू वाय बाय डीएक्स टू एक्स बराबर जीरो अने वाय बराबर एक आगळ। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन जबरदस्त दाखलो छे 2y बराबर cot इनवर्स रूट थ्री कोस एक्स प्लस साइन एक्स छेद में कोस एक्स ओछा साइन एक्स आखा नो वर्ग x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो टू पाई बाय टू देन फाइंड dy बाय dx y dy बाय dx y डेश। तो हवे जो आ समीकरण ने ध्यान थी जोवा आवे ने तो cos x नॉट जीरो वडे भागी नाखू तो जो शू थई रूट थ्री प्लस साइन बाय कोस देट मीन टेन वन माइनस टेन एक्स थी जाए तरत समीकरण जो એટલે યાદ આવવું જોઈએ। તો જો 2y બરાબર કોટ ઇન્વર્સ આખાનો વર્ગ તો છે તો જો રૂટ થ્રી પ્લસ ટેન એક્સ અપોન વન માઇનસ રૂટ થ્રી ટેન એક્સ લખાય કે નહીં। ચલો અહીંયા જો રૂટ થ્રી એક લખવાનું રહી ગયું હતું માઇનસ રૂટ થ્રી સાઇન એક્સ હતું। ચલો હવે જુઓ તો ટેન ઓફ આલ્ફા પ્લસ બીટા દેટ મીન્સ વોટ ટેન આલ્ફા પ્લસ tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta તો આ શું થઈ જાય cot inverse tan of pi by 3 plus x આખાનો વર્ગ 2y બરાબર પરંતુ બાર cot inverse છે તો સીધું ડાયરેક્ટ ફંક્શન બાર આવે નહીં તો tan inverse કરવું પડે તો કોટી વિધેય sin inverse x plus cos inverse x બરાબર pi by 2 તો એવી જ રીતે ભણ્યા હતા tan inverse x plus cot inverse x બરાબર pi by 2 જો વિધેય ચેન્જ કરવું હોય तो लगाड़ो cot inverse pi by 2 minus tan inverse tan of pi by 3 plus x आखा नो वर्ग। चलो अहीं सुधी कम्प्लीट आखा अहीं वर्ग। चलो हवे जो cot inverse pi by 2 minus तो शुं सादुरूप आपशो जो 2y cot निकली जाए pi by 2 minus tan inverse tan pi by 3 plus x आखा नो वर्ग।
चलो सदरूप आप पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री एलसीएम लाइन सीधो करो पाई बाय सिक्स माइनस एक्स नो वर्ग थाय के नहीं। चलो हवे विकलन करी नाखु टू डीवाय बाय डीएक्स बराबर टू पाई बाय सिक्स माइनस एक्स अने माइनस आनो सहगुणक अहीं माइनस। चलो बे ने बे कैंसल तो जो तो डीवाय बाय डीएक्स इज नथिंग बट पाई बाय सिक्स माइनस एक्स परंतु अहीं माइनस हतो एटले आ माइनस थी जाए प्लस थी जाए एटले के एक्स माइनस पाई बाय सिक्स दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो एक एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन तुमने आपी दो वाई बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स डीवाय बाय तुम सीधो जो त्रिकोण ड्रॉ करो टेन इनवर्स एक्स सामेनी बाजू એટલે કે સાબા પાબા રૂટ ઓફ હાઇપોટેનિયસ વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર આ જો થીટા હોય તો સામેની બાજુ પાછળની બાજુ છેદમાં કહો। ચલો તો વાય બરાબર સેક ઓફ થીટા દેટ મીન્સ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ ધારો કે હું એમ લખું ટેન ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર થીટા તો એક્સ બરાબર ટેન થીટા લખાય કે નહીં તો અહીંયા અમે કિંમત મૂકી ટેન ઇન્વર્સ ટેન દેટ મીન્સ થીટા સેક થીટા આના ઉપરથી શું લખાય કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે એક લખવાની જરૂર નથી આ શું મેળવ્યું વાય તો વાય ડેશ રૂટ એક્સ નું વિકલન વન અપોન ટુ રૂટ ઓફ વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ સ્ક્વેર નું ટુ એક્સ આવડી બાબા શું કીધું એક્સ અપોન રૂટ ઓફ વન પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર કઈ જગ્યાએ વિકલન પૂછ્યું છે વાય ડેશ ઓફ વન એક્સ ઇક્વલ ટુ દેટ મીન્સ વન બાય રૂટ ઓફ વન પ્લસ વન દેટ મીન્સ રૂટ ઓફ ટુ તો આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો જે તમને આવડે જ એનસીઆરટી બેઝ। चलो आज लेक्चर नी अंदर विकलन में खूब मजा आई लिमिट कंटीन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पण सरस चेप्टर छे तो लेक्चर क्वोट्स साथे समापन करिए। चलो विचारो श्रेष्ठ ज होवा जोईए कारण के दृष्टि नो इलाज छे परंतु दृष्टिकोण नो नहीं। थैंक यू।